Let me start by introducing myself. My name is Anurag. And this is Anmol. And we will be your host on this video. Right now, we are at McLeodganj. Our plan was to stay in Dharamshala, but Anmol kya raha tha ki? Bhai, McLeodganj chalte Dharamshala bahut over landy hai. It's overcrowded. That's the right word. That's so right. It was word, a yes. Really quick plan that we made. It took like 30 minutes walk from McLeodganj to reach Dharamkot and like extra 5 minutes to reach Moonlight Cafe. This place has a nice feel to it. I like the ambience and the view of the mountains that you get from the cafe itself. After reaching Dharamkot, I realized that I should have rented accommodation in Dharamkot itself because it's a very peaceful valley. So if you guys are planning to come to Triun Trek, I would suggest you to opt for this option. Next morning, we started our trek. So basically, there are two ways to reach Triund. One is from Dharamkot and the second one is from Baksu Nag Falls. But we started our trek from Baksu Falls. Babaji, kahan ja rahe hum? Shiva Cafe? बाक्सु में था नहीं कुछ देखने के लिए ज्यादा. वो जो कह रहे हैं जहाँ से बंदे जा रहे हैं वो जा रहा है वो ट्रैक ऊपर तक देख रहा है. According to us, we will highly recommend you guys to start your trek from Shiva Cafe after having a good breakfast. क्योंकि आपको ट्रैक पर मैगी के अलावा कुछ बड़ी ऑप्शन नहीं मिलता. बर्फ पर हमेशा ध्यान रखो कि आप कभी स्टीप चढ़ाई पर ना चलो एज अ बिगनर. जितना हो सके उतना पथरीले रास्तों पर चलो. बनाओ रास्ता बनाओ रास्ता कुछ भी ले लो. हट यार मैं आता हूँ. हाँ आ गया आ गया. हटना यार एक हटियो यार एक बार. थैंक्स बड़ी. हमेशा प्रेफर करो कि पत्थरों पर चलो. ठीक है आपकी ज्यादा ग्रिप पत्थरों पे ही होगी. शिवा कैफे से लिट्ठा पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे हैं. हमने 1 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और हम 3 बजे लिट्ठा पहुंच गए थे और अभी हमें लिट्ठा से निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं. एंड वी आर ऑन आवर वे टू मन्ना टॉप बेस कैंप. यू कैन सी धर्मशाला, मैक्लोडगंज, भक्सुनाग एंड लिट्ठा बेस कैंप फ्रॉम दिस पीक. कौन आज पाजी कौन कह रहा है? सॉरी इट्स ओके यार. चल बच्चे पत्थरों पे पत्थरों पे. ये
that happened, sir. Thank you so much. You're welcome, bro. Always. भाई कुछ नहीं है भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ बनारस उतरने में मेरे को लगा नहीं था उतर पाऊंगा। मुझे बस यही पता कि पहुंच जाते हैं बस। पहुंच गए, इजी था ना एकदम बिल्कुल। देर आर फोर बेस कैंप्स ऑन त्रिवेण ट्रेक, लिट्ठा, मन्ना, कथारनी एंड त्रिवेण। अभी हम मन्ना बेस कैंप पर पहुंचे हैं एंड वी हैव जस्ट टेकन अ हॉल्ट फॉर अ ब्रीदर। ट्रैक पर आए और ब्यूटी को एंजॉय नहीं करा नेचर की रुक रुक कर, तो क्या ही करा। अमित ठाकुर कहाँ पहुंच गया? हाउज द जोश? हाय ब्रो, हाय। हाय है, सही है। वन शुड ऑलवेज बी हाय इन जोश एंड इन लाइफ। चौधरी कहाँ पहुंचे हैं यार? मन्ना टॉप यार। कितने ऊपर है यहाँ से? और 45 मिनट्स आई थिंक कर लेंगे, 4 घंटे तो हो गए हैं। कर तो लेंगे यार। इन माय ओपिनियन When you reach a place, the highest point of this trek, you realize the magnanimity of the nature, and then you realize how minuscule we ourselves are. So such a trek provides you a different perspective of life. आगे आ रहे भाई। Brown boys. गहरी है भाई, उधर से आना चाहिए चौधरी। चल जो हो गया हो गया। अरे भाई मेरे मुंह को आ गई। ये पकड़। सो यस्टरडे वी अराइव्ड एट ट्रायोड इन द इवनिंग। ट्रैक आई वोंट से कि बहुत इजी है या बहुत मुश्किल है, मतलब मॉडरेट था यार। मतलब हम तो प्रॉपर गेयर्स भी नहीं पहन गया है। नॉर्मली मैं बताऊंगा आपको कि लोग कहते हैं कि शूज, ट्रैकिंग शूज पहनने चाहिए, पर हम ये चीज पहन गए और हम तो नहीं गिरे क्योंकि हमें टेक्निक आती है। और मैं अभी यही बोलूंगा कि अगर आपको टेक्निक आती है उतरने की और चढ़ने की तो आपको कोई नहीं गिर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हथियार रखो अपने साथ। ये हथियार आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी लेके जा सकता है। खरीदने की कोई जरूरत नहीं है यार, थोड़ा जुगाड़ करना सीखो, तोड़ के खुद बनानी पड़ती है और थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू ट्रैकिंग की जी मैं चढ़ जाऊंगा। वॉक विद योर ओन पेस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की बेबी स्टेप्स, यू विल लर्न ऑन द ट्रैक। अपने वेट और अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली रास्ता बनाते ठीक है सर। सो गाइस वी हैव दिस अमेजिंग टाइम लैप्स वीडियो ऑफ सनराइज एट करथारी प्लेस एंड बी श्योर टू चेक इट आउट। इट हैज सम रियली अमेजिंग सीन्स and after there will be a you know cascade of photos that we you know captured on our trip over here. So enjoy guys. देखो जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया है, जितना मेरे बस की थी, क्योंकि चढ़ना भी था और एक हाथ में कैमरा पकड़ के और एक हाथ में डंडी पकड़ के चढ़ना बहुत लंबा स्केल है, क्योंकि मेरे को 3-4 लोग भूल भी चुके थे भाई कैसे कर रहे हो। तब मेरे को तो चूल है भाई, मैं तो करूँगा। उस वक्त से पूछो उस कायनात के लम्हे से पूछो, उस वक्त से पूछो उस कायनात के हर लम्हे से पूछो कि क्यों कभी कभी तलाश ख़त्म हो जाती है पर रास्ते नहीं, ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं पर सपने नहीं। इसको कहते हैं धरती का स्वर्ग। अगर आप सनसेट और सनराइज एंजॉय कर पा रहे हैं देन देर इज़ नो वन मोर लकी दैन यू, बिलीव मी ऑन दैट।